सरगर्म सियासत तो लांबे होके बैठ चुके एच एस फूलका नूं अचानक लोक सभा चोणां दौरान 1984 कतलेआम नाल जुड़े वड्डे खुलासे करन दा फुरना फुरिया है। एच एस फूलका ने कांग्रेस ते इल्जाम लगाउंदिआं कहा कि जिस समय साबका प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दे कतल तो बाद 1 नवंबर 1984 विच दिल्ली विच सिख कतलेआम हो रहा सी, उस समय पीएमओ दफ्तर तो सीधे हुक्म आ रहे सन। फूलका ने कहा कि उस समय साबका कानून मंत्री अते सीनियर वकील शांति भूषण ने तत्काली गृह मंत्री नरसिम्हा राव नूं इस मामले विच फौज नूं बुलाउण लई हलफनामा भी दिता सी, जिस तों बाद नरसिम्हा राव ने फोन उपर किसी मंत्री नाल गलबात कीती अते मामले विच फौज दे दखल दी मांग कीती, पर ओह उस शख्स नूं मना नहीं सके। फूलका मुताबक जिस तों बाद नरसिम्हा राव ने यह कह दिता कि उन्हां दे हथ वस कुछ नहीं है, जिस तो बाद शांति भूषण ने चौधरी देवी लाल शरद यादव ते राम विलास पासवान दे नाल मिलके तत्काली राष्ट्रपति नाल मुलाकात कीती अते उन्हां नूं भी फौज लगाउण दी मंग कीती। नाल ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि उस समय दिल्ली विच करीब 5000 फौज तैनात सी, पर जे उस फौज नूं प्रभावित खेतरां विच लगाया जांदा तां 2000 सिखां दी जान बचाई जा सकदी सी, पर फौज नूं सिखां तक पहुंचण नहीं दिता गया अते उन्हां नूं वापस यूनिट बुला लिया गया। अते फूलका मुताबक यह सब कुछ पीएमओ दे हुक्मां नाल हो रहा सी। फूलका ने सारे मामले च मिश्रा कमिशन का हवाला दिता है। हालांकि कांग्रेस ने फूलका वालों लगाए इल्जामां दी टाइमिंग ते सवाल चुके ने। कांग्रेस का कहना है कि एच एस फूलका लोक सभा चोण के ठीक दौरान 84 सिख कतलेआम का मामला चुक रहे ने, तां दाल विच कुछ काला है। वह चोणों के मद्देनजर इस मुद्दे नूं किसकी शह ते उबार रहे ने। 1984 विच वापरे दिल्ली विच सिख कतलेआम के मामलों में लगभग 650 मामले दर्ज किए गए सन। भारत सरकार के अपने अंकड़िया मुताबिक नवंबर 1984 कतलेआम विच मौतों की गिनती 3325 मनी जाती है। दिल्ली तो अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दूजे राज्यों में भी सिखों के कतल हुए सन। दिल्ली पुलिस के सबूतों की घाट कारण 241 मामलों बंद कर दिता सी, जबकि नानावती कमीशन ने उन्हां चों केवल 4 मामले खोलने की सिफारिश की। फिलहाल केंद्र सरकार वालों बनाई एसआईटी मामलों की जांच कर रही है।